मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को कर्नाटक के हिवाली जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम बिकाराम जलाराम बिश्नोई है। इस शख्स ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस गिरफ्तारी से पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। बिकाराम जलाराम बिश्नोई ने धमकी भरे मैसेज में दावा किया था कि वे जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। धमकी में कहा गया था कि अगर सलमान खान ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आरोपी ने सलमान से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के साथ साथ ये भी कहा था कि अभिनेता को उनके मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी। धमकी भरे संदेश के आधार पर मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि ये धमकी कर्नाटक से भेजी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कर्नाटक में स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी की तलाश शुरू की और उसे हावेरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बिकाराम जलाराम बिश्नोई राजस्थान के जालौर का रहने वाला है और कर्नाटक में एक निर्माण स्थल पर काम करता था। वह हावेरी के गोदार इलाके में नए मजदूरों के साथ एक कमरे में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले आई है, जहां उससे आगे की पूछताछ जारी है। साथ ही मुंबई पुलिस आरोपी से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित संभावित कनेक्शनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीबी थे। उनकी हत्या के बाद जोधपुर में वर्षों पहले हुए हिरण शिकार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। माना जा रहा है कि लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सलमान को अपना टेरर दिखाया है। इधर बीते दिनों सलमान खान को एक बार फिर धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। इस मामले में धमकी देने वाले शख्स को ट्रेस किया तो वह राजस्थान के सांचेर जिले का रहने वाला बिकाराम बिश्नोई का निकला, जो अभी फिलहाल कर्नाटक में रहता है। भिकाराम सांचोर के जाखल गांव का निवासी है। इस दौरान भिकाराम ने धमकी भरे संदेश में कहा था कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गैंग अभी भी सक्रिय है। संदेश भेजने वाले भिकाराम ने दावा किया कि वे जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इधर कर्नाटक पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है, जहां अभी तक लॉरेंस बिश्नोई को भाई बताने की पुष्टि नहीं हुई। 1999 में जोधपुर में सलमान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए आए थे, जहां उनका नाम हिरण के शिकार करने से जुड़ा। इसके बाद से सलमान लॉरेंस के रडार पर हैं। सलमान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले भी सलमान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को NCR क्षेत्र के नोएडा से पकड़ा था। इसी तरह धमकी देने के दूसरे मामले में झारखंड के एक व्यक्ति ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी भरे संदेश भेजे थे और बाद में माफी भी मांगी। इस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया था और मामले को निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।